नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा NHAI के बारे में। तो NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको जॉब मिला है। 50 डेप्यूटी मैनेजर के लिए पोस्ट है और इस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर कोई स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया की किसी भी जगह पे आपको जॉब मिलने का चांसेस है। 50 मैनेजर के पोस्ट है और वो भी डेप्यूटी मैनेजर के लिए। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी बात है। और एज लिमिट आपको मिनिमम होना चाहिए 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिलेक्शन का जो प्रोसीडर रहेगा वो देखिए, आपको रिटिन टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद आपको पर्सनलिटी टेस्ट भी देना पड़ेगा। और उसके साथ जो एग्जामिनेशन होगा वो सिविल सीरीज के एग्जामिनेशन होगा, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर आपको एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, वो भी सिविल टेड में। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है तो वहाँ पे अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो सैलरी पैकेज कितना? 15,600 से 39,000 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए आपको टोटली एप्लीकेंट शुड प्रोसेस द इंजीनियरिंग डिग्री इन द सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप सिविल इंजीनियर है तो आपके लिए मौका है। और लास्ट डेट रहेगा 13 जुलाई, उस जून उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो ये जो अप्लाई करने का लिंक है मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, नीचे एक लिंक दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप इस दोनों साइट का लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा वेबसाइट के माध्यम से। तो नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपको जो टोटल पोस्ट 50 दिया गया है, यहाँ पे जनरल के लिए 33, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, तो वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके लिए देखिए, आपका जो एज लिमिट होगा 30 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले मेंशन कर चुका हूँ। रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो है, अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो मैरिटल स्टेटस है, रिटिन टेस्ट और फिजिकली टेस्ट जो मैं पहले आपको मेंशन कर चुका हूँ, आप तो देख ही चुके होंगे मेरे वेबसाइट के माध्यम से सारे डिटेल्स मैं मेंशन कर चुका हूँ। अभी अप्लाई बटन में क्लिक करना तो आपके सामने इस तरीके से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से चीज मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। पहले आपका नाम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस के बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद पासवर्ड भी डालना है, उसके बाद री एंटर पासवर्ड भी डालना है। ये सब कुछ डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये जो कैप्चर कोड है यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। सिंपल सा स्टेप है रजिस्टर करने का। रजिस्टर होने के बाद फिर से वही पेज में जाना है, और यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको ईमेल में भेजा गया, पासवर्ड तो आपने चूज किया मगर जो यूजर है, आईडी है, वो आपको ईमेल में भेजा जाएगा। जो यहाँ पे लिख कर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में ये पे क्लिक कर सकते हैं, साइन अप में क्लिक कर सकता है। तो इस कैप्चर कोड को डालने के बाद साइन अप में क्लिक करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और मेरा नया सीरीज का कंप्यूटर स्किल के जो वीडियोस है जरूर देखिए। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है और प्राइवेट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर स्किल आप सीखेंगे तो आपको किसी भी किसी ना किसी जगह पे जॉब जरूर मिल जाएगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर स्किल सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट जगह पे एज ए टीचिंग प्रोफेशन में ही काम करता हूँ। तो उस हिसाब से मेरा इतने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपको किसी भी जगह पे काम करने के लिए बहुत सारा हेल्प होगा। तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।